Hey guys, welcome to Wi-Fi Study, Changing the Way of Learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study पे। तो guys, जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों कि आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए काफी सारे चैनल्स है, काफी सारे हेल्प है जो कि दोस्तों Wi-Fi Study and Academy आपको काफी टाइम से करवाता है। और उसी के अंदर दोस्तों आज एक बहुत बड़ा दिन है जिसके अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी चैनल है जो कि आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, इसके अंदर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उन बच्चों को जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। पहली बार और बहुत सालों के रिक्वेस्ट के बाद फाइनली दोस्तों आज वो दिन आया है जब कॉमर्स के बच्चों के लिए भी दोस्तों एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो कि अनअकैडमी ने अचीव किया है। और डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को बहुत हेल्प है जो कि आने वाले एग्जाम के अंदर मिलने वाली है। जैसा कि आपको थंबनेल के अंदर नजर आ गया होगा कि अनअकैडमी सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट चैनल दोस्तों आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जहां पे दोस्तों आप अपने सीए एग्जाम की बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में। तो सबसे पहले एक बार गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे सबको एक बार बता दीजिए कि अनअकैडमी ने दोस्तों आप लोगों के लिए सीए का जो चैनल है वो लॉन्च किया है। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखोगे दोस्तों कि ये इंडिया का सबसे बड़ा दोस्तों प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी है ही, लेकिन जो सीए चैनल है दोस्तों वो अपना इंडिया का सबसे बड़ा सीए चैनल बनेगा। और यहां पर बहुत सारे सिलेक्शन है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो पढ़ाने आने वाले हैं वो अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा नाम है, जिनसे शायद आप पहले बहुत बार पहले पढ़ चुके होंगे ऑब्वियसली ऑफलाइन के अंदर, लेकिन फाइनली दोस्तों जब आप ऑनलाइन इनको देखेंगे, इनका एक्सपीरियंस देखेंगे और जिस तरीके से ये पढ़ाते हैं दोस्तों, जब आप इनको जानेंगे तो डेफिनेटली आपके जो एग्जाम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो इजी होने वाली है। और आपको एक पूरा कंप्लीट पाथ है जो कि आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो अपना एम है दोस्तों वो यही होता है कि हमें क्या करना है, कोई भी एग्जाम है जो कि अपना क्रैक करना है विद द हेल्प ऑफ द टॉप एजुकेटर्स। इसीलिए दोस्तों आपके लिए एक नया चैनल लॉन्च किया गया है, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। और तो गाइस, इसको अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन पे प्रेस करेगा ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन है जो कि मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए एक बार सबसे पहले एक बार शेयर कर दीजिए गाइस सारे दोस्तों, यहां पे काफी सारे बच्चे हैं, पूनम है, पायल है, राम है, तो एक बार सब लोग शेयर कर दो। उसके बाद में हम वन बाय वन मिलने वाले हैं दोस्तों उन लोगों से जो कि आपको आने वाले टाइम के अंदर गाइड करने वाले हैं आपके क्लासेस के अंदर किस तरीके से आपको एग्जाम जो है वो क्रैक करना है। और सबसे पहले दोस्तों मैं जो इनवाइट करने वाला हूं, मैं आपको फोटो नहीं दिखाऊंगा, मेरे पीछे ही उनका है ना, ठीक है। मैं सबसे पहले दोस्तों जो आपको जिनको इनवाइट करने वाला हूं, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और सबसे उन्होंने जब अपना पहला अटैम्प्ट दिया था उस टाइम पे सीएस और सीए दोनों एग्जाम है जो कि फर्स्ट टाइम में क्रैक किए थे, ओके। तो डेफिनेटली आपको मालूम है, बहुत कुछ आप सीख सकते हो। पुणे के एक बहुत बड़े रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, उसके भी दोस्तों एमडी है और साथ में आपको अपना लार्ज एक्सपीरियंस है जो कि आपको बताने वाले हैं। तो गाइज हम लोग मिलने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे अंशुल सर से, तो वेलकम अंशुल अग्रवाल सर। और गाइज आपको यहाँ पे अंशुल सर दिख रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अंशुल सर दोस्तों आपसे अपना एक्सपीरियंस है जो कि शेयर करने वाले हैं। तो वेलकम अंशुल सर, और आपका स्वागत है अनअकैडमी सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट चैनल के ऊपर। तो बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच उनेश सर फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट कि आज मुझे ये मौका मिला है अनअकैडमी के साथ जुड़ने का। बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक छोटी सी चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि यू तो ऊंची चट्टानों पे कई लोग चढ़ते हैं, कठिनाइयों से लड़कर वो आगे बढ़ते रहते हैं। छोटे शिखर तो अकेले ही पार कर लेते हैं, पर जो हाथ में हाथ देकर चलते हैं वो हिमालय पे नजर रखते हैं। क्या बात है, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है अनअकैडमी पे आके, बिकॉज मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी कहानी बहुत ही रिलेटेबल है गुनेश सर हर एक स्टूडेंट के साथ, क्योंकि मैं आज बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे कन्फेस करता हूँ कि मैं एक 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज स्टूडेंट रहा था और उसको मैथमेटिक्स का बहुत डर था ऑनेस्टली, और फिर मैथमेटिक्स से बचने के लिए मैंने सेलेक्ट किया कॉमर्स। और जब मैंने कॉमर्स सेलेक्ट किया और मैंने लोगों को पूछा कि आगे क्या करना चाहिए, तो लोगों ने मुझे कुछ कुछ ही फील्ड्स के नाम दिए कि बेटा आप लॉ कर सकते हो, एडवोकेट बन जाओ, आप और कुछ कर लो, बट बहुत ही कुछ लोगों थे जिन्होंने मुझे बताया कि सीए नाम की कोई चीज होगी। सो व्हेन आई वेंट एंड आई स्टार्टेड हंटिंग कि यार ये सीए होता क्या है, तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि सीए होता क्या है, बट सबने मुझे ये जरूर कहा कि तुझसे सीए नहीं होने वाला।
मैंने पूछा क्यों, तो कहते यार बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होती है, सिलेबस इज लाइक ओशियन एंड रिजल्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। तो बेटा तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है, तुम सीए करने के बारे में मत सोचो। बट लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आई एक्सेप्टेड चैलेंजेस, बिकॉज मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स एक ही चीज कहता हूँ, विनर्स डोंट थिंक अबाउट सर्कमस्टेंसेस, दे थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटीज। डेफिनेटली एक छोटी शुरुआत, बिग अचीवमेंट्स आर मेड विद स्मॉल बिगनिंग, एक छोटी शुरुआत की जरूरत है कि सीए होता क्या है। और आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरीशिप की एग्जामिनेशन। तो जिस दिन मैं सीए बना, एक एंबिशन माइंड में था कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, राइट फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चन, एक सीए होता क्या है, एक सीए करता क्या है, इन बेसिक क्वेश्चन से मेरे माइंड में हुई थी शुरुआत। और मैं चाहता था कि जिस दिन मैं सीए बनूंगा उस दिन ये सवाल मेरे जूनियर्स के माइंड में कभी नहीं आएंगे, और ये ड्राइव को लेकर मैं आगे बढ़ाऊँ। और आज मेरी सोच सन अकेडमी के सोच के साथ मैच हो रही है, दैट एज एन इंडियन सिटीजन ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है टू गेट एजुकेटेड। तो जब आप मार्केट में जाते हो देखते हो यार कि एजुकेशन इज नॉट एन इकोनॉमिकल टास्क, इट्स अ कॉस्टली अफेयर। सो आई रियली अप्रिशिएट द इनिशिएटिव डन बाय अन अकेडमी वेयर वी आर ब्रिंगिंग नाउ सीए एजुकेशन ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अन अकेडमी सीए फाउंडेशन का चैनल, जहां पे वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे एस्पायरेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हैं, जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में कुछ नहीं पता, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको करना है सिर्फ इतना कि आपको सब्सक्राइब करना है अन अकेडमी सीए फाउंडेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही कम समय में, विद इन फ्यू डेज, वी विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद ऑल द शेड्यूल्स, ऑल द बैचेस और स्पेशल सेशंस आप लोगों के लिए कंडक्ट किए जाएंगे। आदर्श आवाज बताऊंगा राइट फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चन, सीए होता क्या है, सीए करता क्या है, और सीए किया कैसे जाता है, बिकॉज दुनिया में मोटिवेट करने से ज्यादा डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं। जब आप मार्केट में जाते हो और किसी को कहते हो मुझे सीए करना है, तो 100 में से 99 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे बेटा सीए मत करो, लेकिन मैं वो एक हूँ जो आपको कहूंगा कि बेटा आओ सीए करो, बिकॉज इंडिया में ये इकलौता ऐसा कोर्स है, दिस इज बेस्ड ऑन रिजर्वेशन नॉट द रिजर्वेशन। डेफिनेटली किस रिलीजन के हैं आप, डेफिनेटली लेवल पे हैं आप, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप साइंस है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनी मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हमें मैनेज करने की तैयारी है तो आप सीए जरूर बन सकते हैं। तो फिर से मुलाकात होगी आप लोगों के साथ ऑन अन अकेडमी सीए फाउंडेशन चैनल। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, सो दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू अपलोड अ वीडियो यू विल बी द फर्स्ट टू रिसीव द नोटिफिकेशन। On this channel, we are going to start with the classes for the first level of CA, that is CA Foundation. लेकिन उससे पहले परसों से, yes my dear friends, you heard me right, 2nd June से हर रोज सुबह 11 बजे मैं आपके साथ जुड़ूंगा, मैं आपसे वहां मिलूंगा और मैं आपको दूंगा CA से जुड़ी सारी information. So thank you very much, Gunesh sir, for giving me this opportunity to express myself in front of audiences. Thank you very much. तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे अंशुल सर ने आप लोगों को बताया कि सिंपल सी बात है, एक ऐसा पेपर दोस्तों जो कि आपके डिजर्विंग होने के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके रिजर्वेशन के ऊपर डिपेंड है जो कि कर रहा है। यानी कि दोस्तों आपको एक कंप्लीट पाथ है जो कि यहाँ पे अंशुल सर दिखाने वाले हैं। मुझे मालूम है गाइज आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा साउंड का इश्यू हो रहा है, लेकिन एक बार रिजॉल्व हो गया है आई गेस, ठीक है। एक बार आप वापस से एक बार शेयर कर दीजिए गाइज अपने सभी दोस्तों को, और मुझे मालूम है थोड़ा सा आवाज़ का यहाँ पे थोड़ा स्लो आ रहा है, लेकिन आई गेस आप मैनेज कर सकते हैं गाइज एयरफोन या कुछ यूज़ करके, ठीक है। चलिए गाइस, तो फाइनली दोस्तों आप जैसा कि आपको मालूम है अंशुल सर ने आपको काफ़ी ज़बरदस्त बातें बताई है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि आपको जो क्लासेस है वो जल्दी मिलने वाली है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने के अंदर, ना सिंपल सी बात है। एक एवरेज स्टूडेंट की कहानी जो है दोस्तों इन्होंने बताई, और वो किसी और की नहीं थी, है ना। सबसे बड़ी बात है वो खुद की कहानी है जो कि इन्होंने आपके साथ में शेयर करी है, और बताया कि किस तरीके से एक मीडिया का स्टूडेंट है जो कि ये हुआ करते थे, इवन दो
इवन दो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर दोस्तों इन्होंने अपना पेपर है जो कि क्रैक किया। ओके तो गाइज अब आगे चलते हैं, अब हम दोस्तों एक और जबरदस्त एजुकेटर से मिलने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको इंटरमीडिएट जो है आपका लेवल है उसकी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो हम वेलकम करते हैं यहाँ पे श्रेय सर का। तो वेलकम श्रेय सर, कैसे हैं आप और बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? गाइज पहले मैं आपको अंशुल सर, पहले मैं आपको श्रेय सर के बारे में बता देता हूँ। इनको भी गाइज बहुत लार्ज एक्सपीरियंस है और पिछले 8 साल से एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो कि इनको है। हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। सी व्हेन आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 21 क्लियरिंग माय सीएनसीएस टुगेदर, पापा ने कहा घर आ जा बिजनेस संभालना है। लेकिन ये पढ़ाई का जो जुनून, ये पढ़ाने का जो जुनून है ना, ये है जो आज मुझे आप लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया है। और इस पढ़ाई के जुनून ने, इस पढ़ाने के जुनून ने ही पिछले अटेम्प्ट में भी कुछ सिक्योर ऑल इंडिया रैंक। सो माय फोकस नाउ इज जो हमने पिछली बार ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करी 35, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे मेरा ही रिकॉर्ड तोड़े ऑल इंडिया रैंक 35 से 30 25 20 एंड फाइनली वी आर गोना रीच एट ऑल इंडिया रैंक 1 वेरी वेरी सून। CA course considered to be one of the most trickiest, one of the most difficult course in the world. Everybody is so aware about it. With passing percentage, 10 se 15% sirf hiccups are bound to happen. And we as a team, an academy as a team, will help you out sail through it smoothly. And as very rightly said by one of the finest president that India has ever produced, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। और इसी चीज को लेकर, इसी चीज को, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज कीप ऑन कन्वेइंग इट टू माय स्टूडेंट्स कि जो भी हो, इफ यू रियली वॉन्ट टू बी द फेस ऑफ योर फैमिली, ऑफ द फेस ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द फेस ऑफ योर नेशन, यू विल हैव टू फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। इसी पॉइंट के साथ इफ आई कम बैक टू द YouTube channels, जो हम लोग आपके साथ चालू करने वाले हैं live classes, one channel, all the 8 subjects of CA intermediate, taught to you in such a way, ये ऐसे पढ़ाया जाएगा that you will actually feel that the teacher is right in front of you. आप लोगों को एक चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मोटिवेशनल वीडियोज होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स होंगे। होता क्या है सर, भुनेश सर, बिल्कुल सर, बच्चा पढ़ाई तो बहुत करता है सीए के लेवल में पहुंचने तक, उसको आगे पढ़ाने पर, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाता है तो आता हुआ सब वो लिख नहीं पाता है, क्योंकि डर होता है मन में, वो डर को खत्म करना है। क्योंकि जो भी पढ़ाना है, जो भी पढ़ना है, विद 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी पढ़ना है। दिस वे वी कैन रीच एनी हाइट व्हाटसोएवर। सीए फील्ड ऐसी फील्ड है इन विच यू हैव अ माउंटेन टू क्लाइंब, but please make sure that you do not hold a pebble in your shoe. Agar joote mein pebble hoga to wo chai tak pahunchne mein bahut dikkat hone wali hai. Finally main Bhunesh sir aapke madhyam ke through this live video ke through bachcho se yahi kehna chahta hu ki in the best possible manner, in the best possible way, is with the best possible team, we are there to help them out under each and every circumstances that they face in this big high Rocket, course of Chartered Accountancy, sir. तो गाइस जैसा कि श्रेय सर ने आप लोगों के साथ में जो है शेयर किया, ओके श्रेय सर ने शेयर किया काफी सारी नई चीजें, और गाइस यकीन मानिए जो आप पढ़ने वाले इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ आपको वही चीजें बताने वाले हैं और अपना लार्ज एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं कि एग्जाम में आता क्या है और कैसे आपको करना है। जो आपकी नर्वसनेस है ना गाइज, ये नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब आपको दोस्तों जो आपकी नर्वसनेस है वो आपकी बढ़ती जाती है। अगर आप दोस्तों बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, जैसे कि श्रेय सर ने बताया आप लोगों को कि बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने के बाद, ओके, तो आपकी जो नर्वसनेस, जो डर है ना, जो आप लिख नहीं पाते हो, ये पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो कि आपको श्रेय सर पढ़ाने वाले हैं। गाइस जो चैनल का लिंक है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो है वो हजारों लोगों तक जाने वाला है, तो जो जो बच्चे सीए की प्रिपरेशन करने वाले हैं, कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों एक तरीके से आशीर्वाद है, मतलब एक मान के चलिए एक तरीके से,
और बहुत जबरदस्त मजा आ जाएगा आपको पढ़ने के बाद अनअकैडमी का। और चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सीए फाउंडेशन दोस्तों और साथ में इंटरमीडिएट, ओके, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप जो है बेल आइकन पे प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो बराबर मिलते रहे। ठीक है गाइस, तो श्रेय सर से आप मिल ही चुके हैं गाइस और बहुत साल का एक्सपीरियंस है। एक और दोस्तों जबरदस्त एजुकेटर से हम लोग मिलने वाले हैं जिनका एक्सपीरियंस दोस्तों जो है वो डेकेड से भी ज्यादा है, यानी कि 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। नियर बाय 15 साल से दोस्तों वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है गाइस, और इनके एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं इनके गाइस जो कि आज एक अच्छे लेवल पे हैं और बड़ी बड़ी जगह पे दोस्तों काम कर रहे हैं। और फाइनली दोस्तों हम मुलाकात करने वाले हैं यहाँ पे विक्रम सर से। तो विक्रम सर वेलकम आपका, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो है आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने वाले हैं और यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो विक्रम सर एक बार ऑनलाइन आ जाइए और एक बार बच्चों को अपने बता दीजिए अपने थोड़ा बहुत किस तरीके से आप जो है वो क्लासेस अवेलेबल करवाने वाले हैं। विक्रम सर आपके जो है वीडियो है उसके अंदर एक ऑप्शन होगा स्टॉप वीडियो के पास जो वाला है ना, उसको आपको क्लिक करना है एक बार आप। हाँ बिल्कुल, नाउ यू आर विजिबल सर। हाँ बिल्कुल सर, आप दिख रहे हैं सर बच्चों को। बिल्कुल सर, एवरीवन गेटिंग माय वॉइस? या बिल्कुल सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज भी आ रही है, आप दिख भी रहे हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हेलो एवरीवन, थैंक यू विनय सर, थैंक यू फॉर दैट टू मच हाई प्रोफाइल इंट्रोडक्शन। तो नहीं नहीं सर, बिल्कुल यू डिजर्व इट। अंशुल ने बहुत कुछ कहा और श्रेयस सर ने भी बहुत कुछ कहा। द फैक्ट इज दैट सीए जो है ये एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा है और हम इसे एक तरीके से कहते हैं कि दिस इज द अल्टीमेट ऑफ माय लाइफ। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अंकल हो या श्रेयस हो या आप हो, एवरी स्टूडेंट वांट्स दैट कि उसके आगे नाम के आगे एक सीए वर्ड लग जाए। सीए डेफिनेटली ये एक ऐसी डिग्री है जिसकी फीलिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी है। रात को सोते वक्त भी फीलिंग आती है कि मैं सीए हूं, मतलब मैंने दुनिया में सबसे बड़ा काम कर दिया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन सीए जो एक नीत है, एक परंपरा कई सालों से चली आ रही है कि बहुत यू नीड ए वेरी डेडिकेटेड हार्ड स्टडीज एंड लॉट ऑफ थिंग, ऐसा कुछ नहीं है। विद द हेल्प ऑफ गुड एडुकेटर शेड्यूल योर प्लान, आप अपने प्लान को बनाओ, अच्छे से पढ़ो और उसके बाद ही आप कुछ आगे कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि एक रिक्शा चलाता है बंदा और एक बंदा केवल दिन में 2 घंटे काम करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो केवल 2 घंटे काम करता है वो ज्यादा कम अर्न करेगा और रिक्शा वाला ज्यादा अर्न करेगा क्योंकि उसने लेबर दिया है। नो, द लेबर विद इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एजुकेशन सिस्टम। व्हाई एक अच्छे एडुकेटर की जरूरत क्यों है, एक अच्छे गाइड की जरूरत क्यों है, एक अच्छे दोस्त की जरूरत क्यों है, दोस्त इन द फ्रेंड इन द नेचर ऑफ योर टीचर, जो वो आपको गाइड करेगा कि यू हैव टू पुट योर लेबर इन अ गुड डायरेक्शन, नॉट इन अ बैड डायरेक्शन। जहाँ पे हम 50 किताबें खोल के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बस एग्जाम के पहले हमें पढ़ना है, बट कैन यू इमेजिन बिफोर द एग्जाम इज इट पॉसिबल टू ओपन ऑल द 50 बुक्स एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम एंड यू आर गोइंग टू रिवाइज द थिंग? नो, यू नीड ए बेस्ट गाइड इन फॉर्म ए गुड एजुकेटर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाई, कई लोगों ने मुझसे पूछा आपने अचानक अनअकैडमी को क्यों ज्वाइन किया विद ए हाई एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द सैटेलाइट क्लासेज एंड डिस्ट्रिक्ट क्लासेज इन ऑल ओवर इंडिया? बिकॉज आई लाइक द कॉन्सेप्ट, मुझे सबसे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरीवन, बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी स्टूडेंट टू गेट अ बेटर नॉलेज विद अ वर्ल्ड क्लास फैकल्टी आउट देयर। बट इन द करंट सिनेरियो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ द फैमिली मिडिल क्लास फैमिलीज स्टूडेंट थिंक हम इतना पैसा कैसे देंगे, वी नीड एकोमोडेशन, वी नीड ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, वी नीड टू पे सम हेवी अमाउंट टू द हाई फैकल्टी। नो सर, नो, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट अनअकैडमी ने लाया है, द कोर्स फीस इज आई थिंक वेरी गुड, द ऑल गुड फैकल्टीज आर देयर, यू हैव ए मल्टीपल ऑप्शंस टू टेक द 1 lecture फ्रॉम हियर एंड देयर, तो आपके पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे हैं और हम ये आपको प्रॉमिस कर सकते हैं विद दिस मीडियम
we are going to provide the ultimate anthem. You are going to get reward for your money, whatever you are going to pay. But in this COVID situation, in the situation in the last 2 months, the entire scenario of the world is going to be changed. The online classes, the live sessions are going to be most popular. You have to sit your home, work out, and everything is going to be there. So, कई लोग मुझे पूछेंगे कि सर ऑफलाइन भी तो आप लोग इतना करते हैं. There in offline there is a one drawback कि हम अपने time schedule को नहीं बना सकते. But in live session आपको every day पता होगा कि 11 बजे श्रेयस सर आएंगे, 2 बजे अंशुल सर आएंगे या 4 बजे विक्रम सर आएंगे. We have to sit in front of the laptop and we have to complete the syllabus as early as possible. That is the way. I feel this is the future. I am here and everybody is here to see this is going to be a big, big, big future in the coming 1 and 1.5 years. And believe me, आप लोग जितने लोग भी हो, आप लोग अपने सब जितने भी दोस्त हैं जो CA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, you have to encourage everybody to come and join our channel, to come and join our courses, whatever. And other things are there. कि आपको CA करना है, पहले इस दिमाग की चीज को हटाना है कि ये टफ कोर्स है. नहीं, ये टफ कोर्स नहीं है, ये काफी अच्छा कोर्स है. बट यू नीड अ डेडिकेशन, डेडिकेशन एंड डेडिकेशन. एक मूवी आप लोगों ने देखी थी ना, जिसमें कहा था एक फिल्म तभी चलती है जब तीन वर्ड होते हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. तीन वर्ड है, डेडिकेशन, डेडिकेशन एंड डेडिकेशन. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कम जॉइन अस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू जर्नी. And this journey is going to be full, full, full of entertainment, entertainment and entertainment. Because पढ़ाई तभी होगी जब आपका entertainment होगा. आप 3 घंटे किसी movie को तभी देखते हो जब वो movie आपको लगती है. अगर आपको movie bore लगेगी तो नहीं होगा. But I hope this 2 hours, 3 hour lectures are going to be full of entertainment, full of knowledge, in depth knowledge, not only knowledge, in depth knowledge. I believe on this. Thank you very much to all of you. तो गाइस, जैसे कि विक्रम सर ने भी अपना लार्ज एक्सपीरियंस है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया, और यकीन मानिए दोस्तों, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था. पूरी मूवी दोस्तों वो आपको क्लासेस के अंदर देखने को मिलेगी, जब यहाँ पे श्रेय सर या फिर जो है आपको अंशुल सर या फिर विक्रम सर दोस्तों जब आपको पढ़ाने वाले हैं. और जितनी ज़्यादा हो सके गाइस, देखो अपना जो वाइफ स्टडी जो फैमिली है दोस्तों, इट्स ए बिग फैमिली, यू नो दैट. इसमें दोस्तों 12 मिलियन के आसपास बच्चे हैं दोस्तों, यानी कि देश में जितने भी बच्चे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे इसके अंदर है. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, सिब्लिंग्स होंगे, कजन्स होंगे गाइस, जो कि सीए की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि सीए बनना चाहते हैं, लेकिन उनको गाइडेंस कोई भी नहीं है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों सीए सीएस इन कोर्सेज में यही होती है कि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है. तो ये प्रॉब्लम दोस्तों आपकी एलिमिनेट हो जाएगी कंप्लीटली. आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी जो है, सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट चैनल जो है वो आपको ज्वाइन करना है. डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है दोस्तों, और आपको कंप्लीट गाइडेंस दोस्तों जो इंडिया के टॉप एजुकेटर है, जो कि हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, उनके द्वारा आपको मिलने वाली है. और यकीन मानिए जो क्लासेस आपको मिलेगी वो एंटायर इंडिया के अंदर बेस्ट क्लासेस है जो कि आपको डिलीवर होने वाली है. और जैसा कि विक्रम सर ने बताया दोस्तों कि आपको एजुकेशन नॉलेज के साथ में एंटरटेनमेंट है ना, यानी कि मजा आने वाला है आपको पढ़ने के अंदर. ठीक है गाइस, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके, और अपने जितने भी भाई बहन है आपके, कोई भी है जो कि तैयारी करना चाहता है, बनना चाहता है, उनको रिकमेंड करिएगा कि आप लोगों के पास में दोस्तों कॉमर्स के स्पेशली जो बच्चे हैं उनका कंप्लीट सोल्यूशन निकल चुका है. बहुत टाइम से वाईफाई स्टडी को भी बोलते रहते थे कि सर आप हमेशा जो है साइंस वाले बच्चों के लिए बात करते हो, जेई के वाले, इंजीनियर्स के लिए गेट हो गया, आईईएस हो गया, या फिर यूपीएससी हो गया, एसएससी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई काफी टाइम से. मतलब इनफैक्ट सर मेरे को बहुत सारे कमेंट मिले ऐसे विक्रम सर, जिसमें बच्चे ये बोलते रहते हैं कि सर आप सीए की प्रिपरेशन कब करवाओगे, सीएस की प्रिपरेशन कब करवाओगे, है ना. ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, ओके, क्लैट हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं ना. तो फाइनली दोस्तों आपकी जो जर्नी है ना वो स्टार्ट हो चुकी है सीए के साथ में, और चैनल आपको जो है लिंक मिला हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा गाइज. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि अब आपको सीए बनने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर बैठिए बढ़िया पढ़ाई करिए, और आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है वो घर बैठे मिलने वाली है इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे. गुड नाइट विक्रम सर, श्रेय सर एंड अंशुल सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. और काफ़ी अच्छा लगा, आपकी बातें जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थी, और डेफिनेटली जो है ये बच्चे जो है उनको बहुत जो है एक गाइडेंस है जो कि आने वाले टाइम पे मिलने वाली है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंशुल सर, श्रेय सर एंड विक्रम सर, थैंक यू सो मच.
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर।